हाँ जी नमस्कार सबको, राधे राधे। ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत। आज हम कक्षा 9 विषय गणित, इसमें अध्याय 6 रेखाएं और कोण, 6.3 प्रश्न नंबर 3 प्रश्नावली का। आकृति में यदि एबी समांतर डीई और बीएसी बराबर 35 डिग्री और कोण सीडीई बराबर 53 डिग्री है तो कोण डीसी ई का मान ज्ञात करो। ये हमारे को ज्ञात है, कोण डी सी ई ज्ञात करना है। ए बी समांतर डी ई दे रखा है, कोण बी ए सी का मान दिया हुआ 35 डिग्री और कोण सी डी ई बराबर दिया हुआ है 53 डिग्री। आकृति आपके सामने, अब देखो इस आकृति को देखने पर सबसे पहली शर्त तो हमारे को ए बी समांतर डी ई दिया हुआ, ठीक है, ए बी और इधर से डी ई, ठीक है। अब इस हिसाब से हम देखें तो कोण बी ए सी, ये बी ए सी बराबर दिया हुआ कितना 35 डिग्री का, तो कोण सी ई और डी, ये कोण सी ई डी बराबर, ये आपके कोण देखते हैं तो ये कोण कैसा हो गया, जेड नुमा हो गया, और जेड नुमा कोण होते क्या हो गया, ये आपका एकांतर कोण हो गया, और एकांतर कोण का मान कितना होता, बराबर ही होता है एकांतर कोण, अगर ये 35 डिग्री का तो आपके ये भी कितना हो जाएगा 35 डिग्री का हो जाएगा, पहली शर्त के अनुसार, तो क्योंकि ये हमारे को समांतर दी हुई है, ए बी समांतर डी ई दे रखी है, कोण बी ए सी का मान दिया हुआ 35 डिग्री तो कोण सी ई डी बराबर ये भी आपका कितना हो जाएगा 35 डिग्री का हो जाएगा। अब आप देखो इसके अंदर त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज डी सी ई, त्रिभुज डी सी ई के अंदर हम देखते हैं कोण डी मालूम है कोण ई मालूम है, तो बच रहा कौन सा अपने पास में, कोण सी बराबर, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमको ध्यान में है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है, तो हम क्या करेंगे दोनों कोणों का योग करके 180 में से बाकी निकाल देंगे तो हमारे पास बचा कोण सी बराबर, और यही हमारे को इसमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो अब आप देखो सबसे पहले चूंकि ए बी समांतर डी जो कि हमारे को दिया हुआ है, अब कोण बी ए सी बराबर कोण सी ई डी, कोण बी ए सी और कोण सी ई डी 35 डिग्री का, कारण क्या हो गया एकांतर, ठीक है। अब उसके बाद में त्रिभुज बन रहा है त्रिभुज डी सी ई, और त्रिभुज डी सी ई के अंदर हम देखते हैं तो कोण डी प्लस कोण सी प्लस कोण ई बराबर इनका योग 180, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री या दो समकोण के बराबर होता है, ठीक है। अब आपके सामने कोण डी तो मालूम है 53 डिग्री का, कोण सी ज्ञात करना है और कोण ई बराबर है 35 डिग्री, ठीक है। तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे कोण डी प्लस कोण सी प्लस कोण ई की जगह कोण डी का मान हो गया 53 डिग्री प्लस कोण सी मालूम नहीं इसलिए प्लस करेंगे कोण सी ऐसे के ऐसे प्लस कोण ई का मान हो गया 35 डिग्री और बराबर इनका योग करेंगे तो योग कितना हो गया 180 डिग्री, ठीक है। अब आप देखो इसके अंदर दो कोण तो मालूम है, दोनों कोणों का योग करेंगे हम तो दोनों कोणों का योग यानी कि 53 में 35 जोड़ा तो हमारे पास में कितना हो गया 88 डिग्री का हो गया, और बच रहा कौन सा कोण सी, ये प्लस कोण सी बराबर इनका योग 180, 88 प्लस कोण सी बराबर 180 एक समीकरण बन गए, और समीकरण में हम क्या करेंगे इसको पक्षांतर करेंगे तो कोण सी बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 88, 180 में से 88 की बाकी निकाल लेंगे तो कोण सी बराबर कितना जाएगा आपके 92 डिग्री का जाएगा, या कोण डी सी ई बराबर कितना हो गया 92 डिग्री, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 3 देखा 6.3 का, आपको भी क्या करना इसी प्रश्न का दौरान हल करना है एसडब्ल्यू में, पहले वीडियो को अच्छी तरीके से देखना उसके बाद ही हम क्या करेंगे इसी प्रश्न को हम एसडब्ल्यू की कॉपी में हल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सीधा सा प्रश्न था, इसमें आपके एकांतर कोण बराबर होते हैं उस हिसाब से कोण ए और इधर से कोण ई बराबर हो गया 35-35 डिग्री का, उसके बाद आपके त्रिभुज बना हुआ था, त्रिभुज के तीन कोण में से दो मालूम थे, तीसरा ज्ञात करना था तो हम क्या करेंगे इन दोनों का योग करके 180 में से बाकी निकाल देंगे कोण सी का मान, ठीक है। वापस एचडब्ल्यू में पहले वीडियो अच्छी तरीके से देखना, एचडब्ल्यू बराबर हल करते रहना, ठीक है। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।